Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, आज हम लोग सीखेंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का सेल एंट्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट सेल ऑफ बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग सेल किया जा रहा है 655,000 का टू दीपक एसोसिएशन को, यानी एक दीपक एसोसिएशन को एक बिल्डिंग सेल किया जा रहा है जिसका दाम है 655,000। एट क्रेडिट पीरियड 48 डेज, यानी 48 दिन के लिए उधार है। एट द सम टाइम दे टुक ओवर द रोड, यानी उसी समय एक रोड भी सेल किया जा रहा है 555,000 का विद क्रेडिट पीरियड 12 डेज, यानी 12 डेज के लिए रोड उधार है। यानी आपका बिल्डिंग का पैसा आपको 48 दिन में देना है और रोड का पैसा आपको 12 दिन के अंदर देना है। ओनली वन इन्वॉइस वाज प्रिपेयर्ड, यानी एक इन्वॉइस रेडी करना है फॉर दीपक एसोसिएशन के नाम पर, फॉर बोथ बिल्डिंग एंड रोड पर। यानी एक इन्वॉइस बनाना है और दोनों एंट्री को उसमें एंट्री करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टैली पे चलते हैं, टैली पर आ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं लेजर बनाने। तो लेजर बनाने अकाउंट इन्फो में लेजर क्रिएट, यहाँ पर लेजर बना लेंगे हम लोग दीपक एसोसिएशन का। एसोसिएशन और यहाँ पर ग्रुप पूछ रहा है, तो हम लोग सेल कर रहे हैं तो इसलिए इसका ग्रुप हमारा सेंट्री डेटर्स होगा। सेंट्री डेटर्स ले लेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग यस कर लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक सेल का लेजर बना लेंगे। तो सेल का लेजर बनाएंगे तो इसके साथ हम लोग प्रोजेक्ट सेल जोड़ देते हैं। प्रोजेक्ट सेल ले लिए और सेल का ग्रुप यहाँ पर हम लोग डाल देंगे सेल अकाउंट। यहाँ से सेल अकाउंट ले लेते हैं, इंटर किए और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल यस होना चाहिए सेल के लेजर में। इसको यस कर लेंगे, इंटर, एक्सेप्ट। उसके बाद बैक करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ अकाउंटिंग भाउचर में जाने के बाद हम लोग सेल कर रहे थे, क्वेश्चन हमारा सेल का था। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट सेल, इसलिए हम लोग सेल का भाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। तो F8 प्रेस करते हैं, सेल भाउचर आ गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का एंट्री हमारा डेबिट क्रेडिट मोड में होता है, इसलिए इसको कंट्रोल भी करके हम लोग DRCR मोड में कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहा है पार्टिकुलर में DR सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा दीपक एसोसिएशन, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ अमाउंट पूछ रहा है, तो हम लोग दीपक एसोसिएशन को कितना का सेल कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट डालना है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 655,000 का बिल्डिंग है और 545,000 का आपका रोड है, तो दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो हमारा 6, 5, 11 और 12 लाख रुपए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अमाउंट में 12 लाख इनपुट कर देंगे, इंटर करते हैं। यहाँ रेफरेंस पूछेगा, तो हम लोग न्यू रेफरेंस लेंगे। और यहाँ नेम पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग पार्टी का शॉर्ट नेम डाल देंगे। जैसे दीपक एसोसिएशन है तो D और A, और यहाँ पर 1 ले लेते हैं। और यहाँ क्रेडिट पीरियड पूछ रहा है कितने दिन के लिए उधार है, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 48 दिन के लिए उधार है, कितना 655,000 रुपये। यहाँ पर हम लोग 48 डेज डालेंगे और यहाँ पर 655,000 रुपये इंटर कर देंगे। इंटर करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर से न्यू रेफरेंस पूछेगा, फिर ले लेंगे। और यहाँ पर दूसरा इन्वॉइस हम लोग रेडी कर देंगे DA2 के नाम से। और यहाँ पर क्रेडिट पीरियड पूछ रहा है, तो जैसा कि आपने
देखा यहाँ पर 12 दिन के लिए 5,45,000 उधार है, तो हम लोग यहाँ पर 12 डेज इनपुट कर देंगे और 5,45,000। तो यही हमारा है ओनली वन इनवॉइस प्रीपेड, यानी एक इनवॉइस में हम लोग दोनों एंट्री करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर रेफरेंस को मैनेज करना है। मैनेज करने के बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है, यानी हम लोग सेल कर रहे हैं तो सेल का ले लेंगे लेजर प्रोजेक्ट सेल। यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो अगर आपके क्वेश्चन में आइटम है तो डालेंगे, और नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। इंटर करके आगे बढ़ें। यहाँ पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर और नेम ऑफ कॉस्ट कैटेगरी और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि बोथ बिल्डिंग एंड रोड पर, तो बिल्डिंग और रोड का कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी ले लेंगे। तो देखिए मेरा इस क्वेश्चन में पहले से बना हुआ है, पहले से हमने बनाया है, और अगर आपको देखना है तो पिछले क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, और यहाँ पर बिल्डिंग, और बिल्डिंग का अमाउंट पूछ रहा है, तो बिल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 6,55,000, तो हम लोग ले लेंगे 6,55,000। फिर रोड 5,45,000, उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा ट्रांजैक्शन सेल का कंप्लीट हो गया।